खुशहाल दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी, हमेशा खुश रहे, सुखी रहे और संपन्न। दोस्तों आज है गुरुवार। मैं आपको वो उपाय बताने के लिए जा रही हूँ जिस उपाय को करने से आपके गुरु मजबूत रहे। गुरु अगर आपके मजबूत है तो शादी में तकलीफ नहीं आती, सिवाय कि फिर आप मांगलिक हो। गुरु अगर आपके मजबूत है तो आपका चरित्र बहुत अच्छा रहता है, इनकम का जो सोर्स है वो बहुत अच्छा होता है, आपका चरित्र वो भी बहुत अच्छा रहता है। गुरु व्यक्ति की एक नहीं अनेकों तरीके से मदद करते हैं। कहते हैं कुंडली में सारे ग्रह कमजोर हो तो चलेंगे, लेकिन अगर एक गुरु अकेले ही मजबूत बैठे हैं तो व्यक्ति कभी भी भावनाओं की दुनिया में एकदम से नहीं बह जाता है। उसका दिमाग कंटिन्यू चलता रहता है कि उसको क्या करना है, क्या उसको करना चाहिए। तो गुरु को मजबूत बनाने के वैसे भी मैंने ढेरों उपाय आपको बता रखे हैं। आज आपको एक और उपाय बताने के लिए जा रही हूँ, बहुत बढ़िया है। इस उपाय को अगर आप हर गुरुवार करते हैं तो गुरु आपके मजबूत बनेंगे, आवक आपके घर में जबरदस्त रहेगी। आवक के लिए दोस्तों, वैसे मैं आपको पहले ही बताती हूँ और हर वीडियो में मैं आपको जानकारी देती हूँ कि अपने घर में पाइराइट जरूर रखें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं पाइराइट पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये वीडियो देखिए, आप मैं घर में ही बैठी हुई हूँ और आप देखिए हमारे घर में भी पाइराइट रखा हुआ है। सिर्फ इस बाउल में नहीं, आप देखिए ये जो दिखाई दे रहा है पोर्शन, पूरा पोर्शन है, 25 किलो पाइराइट है जो है चमक रहा है। पाइराइट के ऊपर लाइट कर दी गई है ताकि पाइराइट हमेशा यूं ही चमकता रहे। 25 से ऊपर ही होगा, 25 किलो से भी ज़्यादा है ये पाइराइट जो हमारे घर में मेन एंट्रेंस में ही रख दिया गया है। तो ये आपके घर में आवक कंटिन्यू बनाए रखता है और व्यक्ति की किस्मत को एकदम से चमकाता है। पाइराइट जरूर आप अपने घर में रखें, पाइराइट के पौधे रखें। जो ये रो पाइराइट है, सबसे अच्छा पाइराइट दोस्तों यही है जो रो है। सोने जैसा चमकता है, बिल्कुल गोल्डन सोने जैसा चमकता है और इंसान की किस्मत को भी ये चमका देता है। गुरुवार के दिन पीले कलर को ज्यादा से ज्यादा महत्व, जैसे पीले कलर के कपड़े पहनना, जेब में हल्दी की गांठें रखना, हल्दी का ही तिलक लगाना, गुरुवार के दिन झूठ नहीं बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, नाखून नहीं काटना, बाल नहीं कटवाना, घर में सफाई नहीं करना, कपड़ों पर भी साबुन लगाकर के कपड़े नहीं धोना और कोशिश करें गुरुवार के दिन कपड़े वॉश करें ही नहीं। अगर आप गुरुवार का व्रत करते हैं पूरे नियम से तो कभी भी दोस्तों गुरु से जुड़ी हुई कोई तकलीफ आपको नहीं आती है, प्लस आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है। गुरुवार के दिन पूजा के समय या स्नान के बाद आप एक छोटा सा काम जरूर करें, अपने हाथ पर, लेडीज है तो लेफ्ट और पुरुष है, जेंट्स है तो राइट है, हल्दी का मसाज करें। हल्दी जरूरी से, खास करके कोहनी पर हल्दी जरूरी से, हथेली पर भी हल्दी जरूरी से। हथेली पर तो जब आप घुसेंगे तो ऑटोमेटिकली दोनों तरफ से ऐसे 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 ऐसे, फिर भले आप उसको पानी से धो लें लेकिन पानी से थोड़ी देर के बाद में धोए, हल्दी के शरीर पर स्मेल आने दें। हल्दी की स्मेल से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और वो सदैव आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाती है। दूसरा, हल्दी की स्मेल अगर आपकी बॉडी से आती है तो बहुत सारे और भी देवी देवता हैं जो आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं, खुद भगवान नारायण आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं, बराबर। तो हाथ पर, मतलब कलेजे पर और गर्दन पर, इस हिस्से पर हल्दी जरूर लगाए। इस तरीके से थोड़ी सी हल्दी लगाए, लेकिन लगाए जरूर, या फिर हल्दी को ऐसे ले ले और उसका तिलक इस जगह पर जरूर करें। ये दोनों जगह हल्दी लगाने से कभी भी धन की कमी नहीं रहती। जो व्यक्ति सत्यवादी है, जिसका चरित्र अच्छा है, जो धार्मिक कार्य कर रहा है, वैसे भी उसकी लाइफ में ना ही कोई बड़े क्रैक्स आते हैं, ना ही कोई बड़ी तकलीफ आती है। और गरीबी तो आती ही नहीं, भले पैसे थोड़े कम आएंगे, अगर जैसे आपने बहुत बड़े बड़े उपाय नहीं किए, लेकिन आप अगर आप गुरु से जुड़े हैं तो पैसे इतने आते रहेंगे कि आपको कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। जिंदगी जो है आपकी बहुत ही रिस्पेक्टेड होगी। ये छोटा सा उपाय, इसको आप अवश्य ही कर लें
कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। जय श्री कृष्ण।